शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Barefoot. My foot. आपने मुझसे कुछ फरमाया? जी नहीं। अरे अरे मैम साहब सुनिए। मैम साहब। ए मिस्टर, मैं तुम जैसे लड़कों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती। हटो सामने से वरना गाड़ी ऊपर चढ़ा दूंगी। फ्लर्ट कहीं का? अजी मैं फ्लर्ट होता तो ये खूबसूरत रुमाल आपको वापस नहीं करता, इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाता। बड़ी भीली सी खुशबू आ रही है, कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हैं आप? ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोई जरूरत नहीं। अजी आप ठीक कह रही है। वैसे मेरा नाम अमन है और आपका एम से क्या हुआ जी? मिट्टी का माधो। आहा, क्या अदा है यार। ओ जाने वाले, देख के चल, हम भी तो खड़े हैं राहों में। राहों में नहीं मेरी जान, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, मेरे कलेजे। कितने दिन बीत गए, मिलन की वो घड़ी दोबारा नहीं आई। ये देखो चाबी। बिजनेस मीटिंग के लिए डैडी के नाम पे जो ब्लू हेवन में रूम बुक है ना, उसी की चाबी है ये। मगर वहाँ तो तुम्हारे डैडी डेरा जमाए बैठे होंगे। डैडी और मम्मी आज दिल्ली गए हैं। रियली? ओह स्प्लेंडेड, दिल बागो बहार हो गया। पढ़ाई को मारो गोली, लेट्स मेक इट। वेट, क्या हुआ? पहले ये तो बताओ तुम उसे शादी कब करोगे? ओह कितनी बार कहा मेरी जान, जब तुम कहोगे तो फेरे लगा देंगे। सच? Really? Let's make it, जान। Come on, come on, come on. आंटी फूल। फूल मेरे लिए? हाँ। थैंक यू। पपी दो? मुझको नहीं, वो अंकल को दो। अंकल को? Thank you.
हॉर्न सुनाई नहीं देता? हम तो आपके लिए खड़े हैं दीदी। मेरे लिए क्यों? हमारे भैया ने आपके लिए फूल भेजे। ओह नो। ओह यस। पागल, दीवाना। अजी जनाब, दीवाना बनाया किसने? फूल, फूल को फेंके अच्छा नहीं लगता। शट अप। जान हाजिर है मीना मैम साहब। ये फूल किधर से आए? वही फ्लावर शॉप से आया होगा। पर लाया कौन है? वो आपका फ्रेंड है ना, आपका क्लास फेलो, वो दरीज खड़ेला है। आए हेलो। बहुत ही फाइन बॉय है। बुलाना मांगता? बिल्कुल नहीं। भाई, एक नई हसीना ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, जो देखता है दिल थाम लेता है। अच्छा? कौन है वो? कोई नए जज आए हैं, उनकी सुपुत्री है। जज है खुद कातिल, जिधर से गुजरती है हाय बंटा थोर कर देती है। वो देखो आ रही है लाल गाड़ी में। क्या बात है यार अपरली। हाँ? तू लपक जा। मैं? हाँ, वैसे भी छोटे तू लड़की पटाने में बहुत माहिर है। एक बार ये चिड़िया अपने ग्रुप में आ जाए, उसके बाद तो इसकी क्या हो। क्या हुआ? ले ये फूल दे देना। पसी मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जो तुम जैसे लोफर लड़कों से डरूं। फिर कभी सीटी बजाई तो मुर्गे जैसी गर्दन मलोड़ के रख दूंगी। अरे मेरा चश्मा, अरे मेरा चश्मा, अरे मेरा चश्मा, अरे ये ले, ये ले। अरे अरे मेरा चश्मा, अरे तो टूट गया, अब मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं, तू दूसरा बनवा ले। पर ये चश्मा बनवाते समय कहा था इस महीने का 25वां है, अगर टूट गया तो मेरी आंखें फोड़ देगा। पानी कम। जब तू शेरली अंकल से इतना डरता है तो फिर लौंडियों को छेड़ता क्यों है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गंगा में नहाकर आ रहे हो। मैं लौंडियों पे नहीं मरता, लौंडिया मुझ पर जान देती है। क्या? अच्छा, इसको पटा ले तो मानूंगा। अच्छा, 5 मिनट में ये लड़की मेरी बाहों में होगी और आप देख बच्चे किस तरह से चूजा पटाया जाता है। अबे मैं भी कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे साथ में ले चलो भाई। चल चल। राजन, तुम्हारी जुबान से ऐसी गिरी हुई बात? हुजूर तो ऐसे फरमा रही है जैसे कैलाश पर्वत से सीधी यहाँ चली आ रही है। चल फट मेरा सनाप। क्या तुमने मुझे ऐसा कहा? तो तुम क्या समझी, मोहल्ले वालों से कहा? सुन, तू अब यहाँ से कल्टी हो जा, समझे? तुम्हारा प्यार, वादे सब झूठे थे। वो वादा ही क्या जो सच्चा हो। और सुन, तूने मेरे दिमाग की बात दही कर दी, अब सीधी तरह से निकल जाए यहाँ से। मैं कोई बाजारू आवार लड़की नहीं हूँ, मुझे बर्बाद करके तुम किसी दूसरी लड़की के पास नहीं जा सकते। सुने शरीफ जादी, मुझे झूठे बर्तन में मुंह मारने की आदत नहीं है। मन
चला अगर पकड़ लेगा दामन, भला सोचिए आप क्या कीजिएगा। जो पढ़कर लगा देगा जुल्फों में कलिया, तो क्या अपनी जुल्फे छटक दीजिएगा। यू नमस्ते जी, नमस्ते। शट अप। अरे अरे क्या हो रहा है? मैं संजय नहीं हूं तो तुम्हें महाभारत की कॉमेडी सुनाओ। तुम मुझे भूल भी जाओ, ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मेरे दिल की रानी हो। सच सच, धर्म ईमान से सच, दिल की गहराइयों से सच। सच? और पास आओ ना, बस उधर ही रुक जाओ। पास आने से हुजूर क्यों रोक रही हैं? इसलिए कि मेरा वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। आपका क्या नहीं पहुंचेगा मेरी जान? अभी बताती हूँ मेरे भागो, किंग फारूक का तत्तक पलट गया, चारों खाने चित, भागो। अरे रास्ता किधर है? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो लड़कों से डरती हैं। आइंदा सोच समझ कर सामने आना। आपने सीने पर लात मार दी, कोई हड्डी पसली टूट जाती तो? शट अप। भैया डॉक्टर के पास ले चलूं या अस्पताल? चलाट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे प्यारे भैया का मुख काला कर गई। चटवाए, अगर इस 26 से तलवे ना चटवाए तो मेरा नाम भी राजन नहीं। पांडे गुरु हैं? अंदर हैं। आओ आओ छोटे ठाकुर, आज फिर किसी कॉलेज के लौंडे की चंपी करानी है का? नहीं गुरु, इस बार लौंडा नहीं, लौंडिया का मामला है। वानी है का? नहीं। बोलो बोलो, ये तो अपने ही पट्टे हैं। गुरु, उस पर मुझे अपनी बातूरी का सिक्का जमाना है गुरु, ताकि वो मेरी मोहब्बत के जाल में फंसे, तड़पे और कभी निकल ना पाए। अच्छा, तो कोई तरकीब सोची है? हाँ गुरु, वो लड़की रोज 3 बजे कॉलेज से अपनी लाल स्पोर्ट्स गाड़ी में निकलती है। पर वो है कौन? वो नए जज की लड़की है। जज की लड़की? पर इसमें घबराने की क्या बात है? सुना है वो जज बहुत खतरनाक है। अरे गुरु, लड़की को कोई नुकसान तो पहुंचाना है नहीं। हाई कोर्ट से पहले एक जंगल सा है, वहां तुम और तुम्हारे आदमी गुंडे बनकर उसकी गाड़ी रोकना, जैसे उसे उड़ाना चाहते हो। वहां मैं आ जाऊंगा और तुम्हारे आदमी को मार मार कर पास भगा दूंगा। बस अपना मामला फेट। फिल्मी हीरो बनना चाहते हो? ठीक है, ए लाखन, हाँ 3-4 आदमी लेके पहुंच जाए। समझ गए। जज का मामला है, 5,000 चाहिए ठाकुर। अरे गुरु, 5,000 ये लीजिए, चलता हूँ मैं। लेकिन गुरु कल 3 बजे जरूर पहुंच जाना। ठीक है ठीक है, नकली दाढ़ी मूछ लगा के जाई। हाँ। जज का मामला है। समझ गए। चलो जनेमन, आज के बाद मेरे गले में बाहें डालकर चलना। इस जज के बच्चे ने नागपुर में मेरे बड़े भाई को फांसी पर लटकवाया था, तब से मेरे दिल में आग जल रही है। चलो वो आ रही है। We'll be right back.
उल्लू के पट्ठो बी जंगल में कहा था इन गधों ने बीस साल पर ही रोक दिया। कौन हो तुम लोग? ऐसा बनने के बाद अपने जज बाप से पूछना। चल आज तुझे बताता हूँ। चल आज मैं तेरा वो हाल करता हूँ। अब मुझे अपने डायलॉग बोलना चाहिए। ठहरो, ये कौन है? अगर इसके पवित्र शरीर को किसी ने हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ काट के रख दूंगा। लौंडे रास्ता नाप, नहीं तो फोकट में मारा जाएगा। वाह क्या डायलॉग बोला है। पांडे गुरु ने अच्छे आदमी भेजे। अरे तीर बज गए और तुम अभी तक दाढ़ी मूछ लगा रहे हो। गोपी और बंडू दोनों जीप में बैठ गए। चलो भागो। चलो चलो चलो। जाने वहाँ छोटे सरकार का कहा हो रहा होगा। अब भी वक्त है, माफी मांग लो। माफ कर दूंगा वरना याद रखो जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। साला फिल्मी डायलॉग बोल रहा है, जरा दियो तो हाथ बढ़कर। अबे ये भैंसा मुझे क्या मारेगा बे, मैं तुम सबकी चटनी बना के चट जाऊंगा। तेरी तो मोटे साले मार खाने के बजे मुझे मारता है। तेरी तो मैं फुटबॉल, तुझे मार खाना है, मारना नहीं है इडियट। क्या मुझे मार खाना है? हाँ ये मेरा हुक्म है मोटे। चलो हट भैंसे हट। ये तुम्हारा हुक्म है हम मार खाएं? अबे पीलिए धीरे बोल नहीं तो वो सुन लेगी इडियट। साला फिल्म की छुट्टी हो रही है यहाँ पर। देखते क्या मार साले को। ऐसे मार बे, पूरे 5,000 दिए। 5,000? हाँ। मुझे कब दिए? दीदी झूठा कहीं का। अरे तेरा वो हाल करूंगा तो जिंदगी भर याद रखेगी कि तेरा पाला वीर से पाला। अबे जॉन्डिस बचाइए। समझ में नहीं आता आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए कोई हमारा शुक्रिया अदा करे ये हमें पसंद नहीं। ज्यादा चोट लगी क्या भैया? भैया जी हाँ, ये हमारे बड़े भैया है। ओह माफ कीजिएगा, मैं तो आपको गुंडा और बदमाश समझती थी, मगर आपने अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाल दी। कितने बहादुर हैं आप। थैंक यू। देखो वही लौंडिया है, चलो छेड़ते हैं। आओ चलो चलो। ये लोग कौन है? क्यों मेरी जान? कौन है आप लोग, क्या चाहते हो? अरे हम लोग गुंडे हैं और इस लौंडिया को उड़ाने आए हैं। आए? मुझे बार बार क्यों आग मार रहा है बे? समझ गए साहब, अब आग नहीं मारेंगे। आ मेरी जान, मेरे सीने से लग जाओ। अरे बाप रे, अरे ठहरो भाई ठहरो, इधर आओ।
हमको छोटे ठाकुर मारेंगे, तुम कौन होते मारने वाले? मैं बताता हूँ मैं तुम्हें कौन होता हूँ मारने वाला। अरे छोटे ठाकुर, आराम से लेटे लेटे तमाचा का देख रहे हो? चला वहाँ धीरू वाले ढिचुम ढिचुम। अबे ढिचुम ढिचुम की औलाद, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है बे, कमबख्तों ने मेरी कमर तोड़ दी है बे। अरे बाप रे, अरे छोटे ठाकुर ये कौन है? ये कौन? ये मेरा छोटा भाई है। अरे पर ये हमको क्यों मार रहा है? तुम तो ऐसे मार रहे हो जैसे सचमुच की दुश्मनी हो। क्या पक रहे हो? अरे छोटे ठाकुर बताओ ना तुम इनको असली बात, तुम चुप क्यों हो? अबे बकवास बंद कर बे इडियट। कौन सी असली बात? छोटे ठाकुर ने पांडे गुरु को 5,000 रुपए दिए थे और कहा था कि हम लोग जज साहब की लौंडिया को छेड़ेंगे, ये हमको मारेंगे और हम लोग भाग जाएंगे, इनका टाका लौंडिया से फिट हो जाएगा और वो इन पर मर मिटेगी। क्यों मिस्टर राजन? हाय मेरी कमर, कमबख्तों ने बहुत मारा है बे। आप जा रहे हैं, मुझे घर तक छोड़ दीजिए। आप तो लड़कों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती ना। पहले की बात और थी। चलिए ना। Come on.